नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवीपी मीडिया ग्रुप न्यूज बुलेटिन। सारा समाज और निजी शिक्षण संस्थान समूह दोनों की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उस समिति के अध्यक्ष माननीय रतन सिंह जी गोडवड़ा साहब और आज हमारे बीच में अनायास एक तपस्वी व्यक्ति को उपस्थित है, प्रकाश जी। साधना व्यस्त हैं, वो भक्त हैं, निजी शिक्षण संस्थान समूह के अध्यक्ष माने श्री भजनलाल जी, समिति के मंत्री माने अब्दुल रशीद जी और अभी सीकर बाग के अध्यक्ष चुने गए हैं माने जगदीश बिठाला जी, माने रतन सिंह पिलानिया जी, प्रवक्ता भाई बलवंत जी, पूर्व अध्यक्ष जगन सिंह जी और बाल अधिकार आयोग के सदस्य भाई शिवपाल जी, सभी उपस्थित सम्मानित शिक्षण संस्थाओं से पधारे रेल के संचालक, सीकर जिले के सभी वरिष्ठ नागरिक बंधुओं, हमारी बहनें भी बैठी हैं। आज आपने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। एक शब्द माने दयाराम जी के वक्तव्य के बीच निकला पूजा, कि हमने पूजा की। यज्ञ क्या है? यज्ञ शब्द की व्याख्या आचार्य यास्क ने की, देव पूजा संगति का और दान, तीन काम जो करता है व्यक्ति, देव पूजा करता है, संगति करता है, विद्वानों की संगति करता है और दान करता है, यज्ञ हो जाता है। तो आज हमने क्या किया है? देव पूजा की। देव हमारे यहां संस्कृत साहित्य कहता है विद्वान सुनि देव, विद्वान देव है। देव क्यों है? देव शब्द की व्युत्पत्ति आचार्य लोग करते हैं, देवो दानात्वा दीनात्वा स देव, जो समाज को प्रकाशित करता है वो देव है। सूर्य देव है, प्रकाश करता है, चंद्रमा देव है, प्रकाश करता है, पृथ्वी देव है, हमें सब कुछ देती है, सूर्य देव है, हवा देव है, हमें प्राण देती है। इसे देवो दान आत्मा, जो दान करता है वो देव है, दीपनात्मा जो प्रकाशित करता है वो देव है। तो आपको तो दोनों ही गुण है, आपने ज्ञान दिया है, आपने समाज को प्रकाशित किया है। और दूसरा, मैं एक बात हमेशा कहा करता हूं, हमारे सीकर के लोगों ने इसलिए आपका अभिनंदन किया है कि महर्षि दयानंद सरस्वती एक बात लिखते हैं कि किसी के किए हुए उपकार को ने माना कृतज्ञता है। और कृतज्ञता ऐसा पाप है जिसका संसार में कोई प्रायश्चित नहीं है। हर प्रत्येक अपराध का, प्रत्येक पाप का प्रायश्चित हो सकता है, लेकिन कृतज्ञता का कोई प्रायश्चित नहीं होता। शेखावाटी के अंदर उदर के किसानों ने 35 में जो मूवमेंट किया, जो आंदोलन किया, जो बलिदान किया, जो त्याग किया, उसको यहां आसपास के लोग ही जानते थे। और एक इतना प्रेरक आंदोलन, जिस आंदोलन से बहुत सारे लोग प्रेरणा लेंगे, उसको आज की युवा पीढ़ी, जिसके अंदर त्याग की प्रवृत्ति का अभाव होता जा रहा है, समर्पण का अभाव होता जा रहा है, इस प्रकार के आंदोलन को, इस प्रकार के इतिहास को पढ़ करके हमारा युवा ठीक रास्ते पर चले, वो उस वातावरण को देखे कि क्या स्थितियां थी, क्या परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों के अंदर उन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। तो वो काम आपने किया है, इसलिए हम आपके कृतज्ञ हैं। और उस कृतज्ञता से कुछ थोड़ा सा अंश छूटने के लिए हमने आज आपका सम्मान किया है।